जो पहले भी मेरे साथ हो चुका है। मैंने एक पावर बैंक लिया था जो उसमें 50% होता है, उसके बाद नहीं होता, मैं फुल चार्ज करने के बाद भी। बाद में मैंने चीख के यार मुझे क्या ऐसा टेक्नोलॉजी फील्ड में ऐसा चेक करना या रिपेयर करना मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैं करता भी और रिपेयर भी थोड़ा छोटा मोटा करता हूँ। तो मुझे लगा यार आज इसको घर पे फ्री बैठा हूँ तो इसको चेक करता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से चेक करता हूँ और क्या है और किसमें की कौन सी बैटरी है क्या है। MI का पावर बैंक 2000 mAh का जो फुल चार्जर करने के बाद भी ये 50% ही चार्जर होता है। तो मेरे को लग रहा है कुछ IC खराब हो गया है, क्या हुआ वो खोल के चेक करेंगे, क्योंकि पहले भी मेरे साथ इसे पावर बैंक में फ्रॉड हो चुका है। आपको खोल के चेक करवाते हैं, तब तक आप देखिए। इसको खोलने के लिए मैं एक ये चाकू का इस्तेमाल करूँगा जो मैं पहले से ये पट्टी निकाल दिया है, तो ये प्रेस करके ही निकालूंगा मैं। तो ये निकल गया है। तो इसमें क्या लिथियम बैटरी होना चाहिए, उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि जो मोबाइल की बैटरी होती पुरानी वो डाल के और ये लोखंड की पट्टी पीछे डाल दिए, तो इसको लगे कि वेट है, कुछ है अंदर, तो ऐसा वेट लगे कि हाँ अंदर बैटरी है। लिथियम बैटरी की जगह ये फोन की बैटरी डाल दी, इतना अपने साथ बड़ा फ्रॉड होता है। ये चलता है, इसे चलेगा, 50% होगा, 40-50% और फुल चार्जर होने के बाद बंद हो जाएगा। तो ये अपने साथ इतना बड़ा फ्रॉड होता है, तो कभी भी पावर बैंक ले तो वो चेक कर ले कि असली है या नकली है या फ्रॉड है कुछ है।